केंद्रीय मंत्री व अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने NH-56 से जुड़े दो बाईपास निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए मुआवजा वितरण के धांधली को लेकर जिलाधिकारी से बात कर पूरी रिपोर्ट मांगी है। स्मृति ईरानी के रिपोर्ट मांगने के बाद जिलाधिकारी एक्टिव हो गए हैं। गौरतलब है 2013-14 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने लखनऊ से वाराणसी वाया सुल्तानपुर NH-56 को 2 लेन से 4 लेन किए जाने की मंजूरी दी थी। इसके लिए प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया तो अधिकारियों ने 180 करोड़ रुपए की जमीन को 564 करोड़ रुपए में खरीदा। मुआवजा वितरण की इस प्रक्रिया में सरकार को करीब 384 करोड़ रुपए का चूना लगा। मामले में गड़बड़ी की सुखबुगाहट के बाद 2020 में मुआवजा वितरण पर रोक लगा, लेकिन तब तक 95% मुआवजा वितरित किया जा चुका था। भूमि अधिग्रहण घोटाले मामले में खुलासे के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में आर्बिट्रेटर ने 1062 किसानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उधर मामला जब अमेठी की सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक पहुंचा तो उन्होंने जिलाधिकारी से बात कर पूरी रिपोर्ट मांगी। खबरों की माने तो मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गंभीर हैं और वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।